नमस्कार दोस्तों, क्या आप घुटने के दर्द यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस से परेशान हो और तरह तरह का इलाज करवा कर थक चुके हो, लेकिन आपकी जो तकलीफ है, आपका जो घुटने का दर्द है वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है? तो हो सकता है आप कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके घुटने का दर्द, आपके घुटने की जो तकलीफ है वो बढ़ती जा रही है। अगर आप भी घुटने के दर्द से परेशान हैं और जानना चाहते हैं कि जाने अनजाने आप कौन कौन सी गलतियाँ करते हैं जिससे आपके घुटने की तकलीफ बढ़ जाती है, तो आज का वीडियो आपके लिए। मैं डॉक्टर सी एल सेन स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल डॉक्टर सेन फिजियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपको, अगर आप घुटने के दर्द से परेशान हैं, तो उन गलतियों के बारे में बताऊंगा जो जाने अनजाने आप करते हैं और जिससे आपके घुटने की जो तकलीफ है, आपके घुटने का जो दर्द है वो बढ़ जाता है। और अगर आप इन गलतियों को करेंगे तो कभी भी आपके घुटने का दर्द है वो ठीक नहीं होगा और आपके घुटने की जो तकलीफ है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी और अंत में आपको घुटने का ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा। इसलिए मेरी आपको सलाह है कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और एंड तक जरूर देखें। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट्स हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। अगर आप घुटने के दर्द से परेशान हैं यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस से आप परेशान हैं, तो मेरी आपको सलाह है कि घुटनों के दर्द के लिए आप प्रॉपर एक्सरसाइजेस कीजिए जिससे आपके घुटने की जो तकलीफ है वो कम होगी। घुटनों के दर्द में हमें किस तरीके से एक्सरसाइजेस करनी चाहिए उसके ऊपर ऑलरेडी हमने पहले से एक वीडियो बना रखा है, जिसकी लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दे रखी है। आप निश्चित रूप से जाकर उस वीडियो को देखें। और अगर आप घुटने के दर्द से परेशान हैं तो मेरी आपको सलाह है कि अपने नज़दीकी फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर से अवश्य कंसल्ट करें जिससे आपके घुटने की जो तकलीफ है वो प्रॉपरली डायग्नोस हो सके और उसके हिसाब से आपकी समस्या का इलाज हो सके। और अगर आपको मेरे से कंसल्ट करना है तो आप वीडियो कॉल करके 1-to-1 मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, जिसका नाम मात्र का शुल्क लगता है। अब आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं हम आगे का वीडियो। घुटनों के दर्द में जो सबसे पहली गलती है जो कि हम इंडियन लोग करते हैं, स्पेशली अगर आप गाँव में रहते हैं तो स्पेशली आप करते होंगे, वो है इस तरीके से उकड़ू बैठना। या तो गांव में लोग इस तरीके से उकड़ू बैठते हैं या जब हम इंडियन पॉट यूज करते हैं तब हम इस तरीके से उकड़ू बैठते हैं। जब हम बैठते हैं तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती है, अगर हमारे घुटने में कोई तकलीफ है तो हम इस तरीके से बैठ सकते हैं। लेकिन जब हम खड़े होंगे क्योंकि हमारे घुटने की जो मांसपेशियां हैं वो कमजोर होती है दर्द की वजह से, तो उससे हमारे घुटने की जो मैकेनिक्स है वो डिस्टर्ब रहती है। और जब हम खड़े होंगे तो इस तरीके से हमारे घुटने की जो हड्डियां हैं वो रगड़ खाएंगी और हमारे घुटने की जो तकलीफ है, हमारे घुटने का जो दर्द है वो बढ़ जाएगा। तो अगर आप घुटने की तकलीफ से परेशान हैं तो मेरी आपको सलाह है इस तरीके से उकड़ू बिल्कुल भी नहीं बैठें और कोशिश करें कि आप वेस्टर्न टॉयलेट यूज करें जिससे आपके घुटने की जो तकलीफ है वो नहीं बढ़े। इसके बाद दूसरी वो गलती जो हम अधिकतर इंडियंस करते हैं, वो करते हैं इस तरीके से आलती पालती मारकर हम जमीन पे नीचे बैठ जाते हैं। अगर आप घुटने के दर्द से परेशान हैं तो मेरी आपको सलाह है कि इस तरीके से आलती पालती मार के जमीन पे ही नहीं, बेड पे भी बिल्कुल भी नहीं बैठे। कई लोगों को लगता है कि जमीन पे नहीं बैठेंगे तो हम बेड पे बैठ सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर आपको घुटने के दर्द की तकलीफ है तो आप बेड पे भी इस तरीके से आलती पालती मार कर नहीं बैठे। एक्चुअली जब हम आलती पालती मार कर बैठते हैं तो हमारा जो हिप जॉइंट है वो एक्सटर्नली रोटेट हो जाता है, हमारी जो टीबिया है वो भी एक्सटर्नली रोटेट हो जाती है। और इसकी वजह से क्या है कि हमारे घुटने की जो हड्डियां हैं वो अंदर की तरफ से टच होने लगती है। और जब हम लंबे समय तक इस तरीके से बैठते हैं तो हम हमारे घुटनों के अंदर जो वेलस डिफॉर्मिटी है यानी बो लेग वाली जो डिफॉर्मिटी है वो हम बढ़ाते हैं और इससे हमारे घुटने की जो तकलीफ है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। अगर आपके घुटने में अभी इनिशियली दिक्कत है तो अगर 2-5 मिनट आप बैठेंगे इस तरीके से तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप लंबे समय तक 5-10-15 मिनट 20 मिनट अगर आप बैठते हैं तो उससे निश्चित रूप से आपके घुटने की जो तकलीफ है वो बढ़ेगी। और जब हम लंबे समय तक इस तरीके से आलती पालती मार कर बैठते हैं तो हमारी जो VMO मसल्स है और हमारी जो हिप अडक्टर मसल्स है कमजोर होने लगती है और जो हमारी हिप की जो एक्सटर्नल रोटेटर मसल्स है वो धीरे धीरे टाइट होने लगती है। इससे हमारे घुटनों के अंदर, हमारे पैरों के अंदर बो लेग वाली जो डिफॉर्मिटी है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो इसलिए मेरी आपको सलाह है कि अगर आपको घुटने में दर्द की तकलीफ है तो आप इस तरीके से आलती पालती मारकर बिल्कुल भी ना बैठे। इसके बाद तीसरी जो हम गलती करते हैं वो है हमारे अफेक्टेड घुटने से सीढ़ी चढ़ना।
मान लीजिए आपको इस घुटने में तकलीफ है और जब आप इस घुटने से सीढ़ी चढ़ने की कोशिश करते हैं तो क्योंकि आपके घुटने की जो मांसपेशियां हैं वो कमजोर हो जाती है और आपके घुटने की जो मैकेनिक्स है वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो उससे आपके घुटने की जो हड्डियां हैं वो रगड़ खाने लगती है, उससे जो आपकी जो तकलीफ है वो बढ़ सकती है। इसलिए मेरी आपको सलाह है कि अगर आपको घुटने में दर्द की तकलीफ है तो उस घुटने से कभी भी सीढ़ी चढ़ने की इस तरीके से कोशिश ना करें। इसके बाद चौथी वो गलती जो हम अधिकतर लोग करते रहते हैं, जाने अनजाने हम इस गलती को करते हैं, वो है हम एक पैर पे इस तरीके से खड़े हो जाते हैं। कई लोग क्या है कि जैसे खड़े होकर काम करते हैं, कोई ऑफिस में काम करता है या कोई रेस्टोरेंट में काम कर रहा है या घर में घरेलू महिलाएं हैं जो किचन में काम कर रही हैं, तो वो क्या करती हैं कई बार एक पैर पे पूरा वजन डाल लेंगी बॉडी का और दूसरे पैर को इस तरीके से फ्री कर लेंगी, या तो सामने किसी प्लेटफॉर्म पे वो रख लेंगी या फिर कई बार इस तरीके से ही हम खड़े रहते हैं, यानी हमारा बॉडी का जो पूरा वजन है वो एक पैर पे ही आता है। इससे हमारे घुटने के जो लिगामेंट है वो कुछ हद तक स्ट्रेस होते हैं और अगर हम लंबे समय तक इस तरीके से खड़े होते हैं तो इससे हमारे घुटने का जो दर्द है वो बढ़ सकता है। तो इसलिए मेरी आपको सलाह है कि अगर मान लीजिए आपको इस घुटने में तकलीफ है, अगर आपको राइट वाले घुटने में दिक्कत है, तो आप राइट वाले पैर पे पूरी बॉडी का अपने पूरे शरीर का वजन राइट वाले पैर पे डाल के इस तरीके से लंबे समय तक खड़े ना हो। इससे आपके घुटने की तकलीफ है, आपके घुटने का जो दर्द है वो बढ़ सकता है। आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस की वो चार गलतियां जो अक्सर हम जाने अनजाने घुटनों के दर्द में करते हैं। अगर हम इन चारों गलतियों को अवॉइड करते हैं और हम इन चारों गलतियों को नहीं करते हैं तो उससे हमारे घुटने का जो दर्द है वो कम होगा और हमारी जो तकलीफ है वो नहीं बढ़ेगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके हर एक सवाल का जवाब देने की। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।